खास आज के साल वीडियो के अंदर बात करने वाले अपने उज्जवल भाई की जीटी फाइव की न्यू वीडियो और उनकी शादी के बारे में। भाई मैं काफी लोग सोच रहे होंगे भाई जीटी फाइव की वीडियो और शादी का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। तो देखो भाई मुझे नहीं पता ये होमिस गैंग के आपस के बीच की बात, मतलब की उज्जवल भाई की होमिस गैंग का कहना है की अपने उज्जवल भाई जो सारे दिन जीटी फाइव की वीडियो के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई जीटी फाइव की वीडियो डालनी है, इस चक्कर में भाई वो जो शादी नहीं कर पाएंगे। उज्जवल भाई की शादी मत कराओ, पहले ही जीटीए 5 की वीडियोस लेट आती है। ये मेरा आईडिया दैट्स एक्चुअली व्हाट ट्रू है, तुम्हारे जीटीए के चक्कर में सिंगल रह जाएगा वो। या पता डीप पे नहीं जाता है कि जीटीए 5 की वीडियो बनानी है गाइस। जीटीए 6 आ रही है, अरे जीटीए 6 आ रही है तो मैं जीटीए 6 के दूं। अब 2-3 साल में GTA 6 आएगी, फिर उसके मतलब 3-4 साल के बाद अगर तेरी शादी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई, हम लोग ये लाइफ पे भाई सब एक्साइटेड है तेरी शादी के लिए। कोई एक्साइटेड नहीं है, पागल हो भाई। किस साल का हूं मैं, इतनों के साथ तो रूमर आ चुके हैं उज्जवल तेरे, अब बता ही दे कौन है। हाँ यार किसके साथ आ गए यार, वो टॉपिक चेंज करो यार पागल हो, दिमाग खराब हो गया। So, देखो यार यहाँ पर उज्जवल भाई ने GTA 5 को लेकर तो भाई सीधा GTA 6 का कह दिया, मतलब भाई मुझे लग रहा है उनकी लंबी प्लानिंग है कि भाई आप GTA 5 के वीडियो चलना बिल्कुल ही कम कर दो, आप सीधा GTA 6 खेलेंगे। और भाई शादी को लेकर उन्होंने डायरेक्ट भाई कह दिया क्वेश्चन चेंज करो भाई, इसके ऊपर बात ही नहीं करनी। भाई एक पॉडकास्ट के अंदर अपने उज्जवल भाई ने कहा था कि पहले मेरे बड़े भाई की शादी होगी फिर उसके बाद मेरी शादी होगी, लेकिन आप सभी को पता था उनके बड़े भाई की शादी अभी रिसेंटली हो चुकी है, तो भाई शायद से नंबर लग सकता है अपने उज्जवल भाई का भी।